अमेरिका के बीच हाल ही में एक डिफेंस डील हुई जिसने भारत में विवाद खड़ा कर दिया। ये डिफेंस डील थी 6716 राइफल की डील। 6.17 एक आधुनिक राइफल है जिसे अमेरिका की कंपनी सिक्स ऑयर बनाती है और इसी के लिए भारत ने उसे ऑर्डर दिया। इस डिफेंस डील की जानकारी बाहर आते ही बेंगलुरु की SSS डिफेंस के CEO विवेक कृष्णन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विवेक कृष्णन ने कहा कि ये फैसला आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए एक झटका है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस डिफेंस डील के बारे में और आपको ये भी क्लियर करते हैं कि ये एक डील है और इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है उससे कोई भी झटका नहीं लगेगा। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस राइफल का ऑर्डर भारत सरकार ने अमेरिका की सिक्स ऑयर कंपनी को दिया वो एक बेहद आधुनिक और नए जमाने की राइफल है जो भारतीय सेना के उन जवानों को दी जाएगी जो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। भारत ने पहले भी इस कंपनी को इसी राइफल का ऑर्डर दिया था। पहले भारत ने 72,400 राइफलें खरीदी थी और अब दूसरा ऑर्डर 73,616 राइफलों के लिए दिया गया है। ये फैसला इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के अभियान का एक हिस्सा है। इस डिफेंस डील की खबर सुनने के बाद विवेक कृष्णन ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि ये भारत के आत्मनिर्भर सपने के लिए एक झटका है। उनका ये कहना है कि भारतीय कंपनियां सेना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है लेकिन सरकार की ओर से विदेशी कंपनियों को ऐसे ऑर्डर दिए जाने पर उन्हें निराशा होती है। तो क्या भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया को अब साइडलाइन कर रही है? और ये भी सवाल है कि क्या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी मौका नहीं दे रही है? देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन आर्मी को जो हथियार चाहिए वो टॉप नॉच क्वालिटी की चाहिए और वो हथियार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट भी करने चाहिए। वहीं देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए ही ये राइफल और हथियार मंगाए जा रहे हैं, इसलिए जब बात आती है देश की सुरक्षा की तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत में जो हथियार बनते हैं या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हथियार बनाते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के नहीं होते। वो भी टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं लेकिन ये सब एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इंडियन आर्मी एकदम से किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से देश की सुरक्षा के लिए हथियार नहीं खरीद सकती और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन आर्मी या फिर भारत सरकार इंडियन मैन्युफैक्चरर से बिल्कुल भी कोई भी हथियार या कुछ भी नहीं खरीद रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत में जो PIL पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट वो अब तक कब की बंद हो चुकी होती। अब ये PIL क्या है? तो भारत सरकार ने साल 2020 में 108 डिफेंस आइटम्स की एक लिस्ट निकाली थी जिसका मतलब था कि अब उन 108 डिफेंस आइटम्स को भारत किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेगा और उन्हें भारत अब यही बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। और गर्व की बात यह है कि 2020 से लेकर 2024 तक डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसे 5 लिस्ट जारी किए हैं और सबसे लेटेस्ट लिस्ट 5th लिस्ट जुलाई 2024 में जारी की गई थी। आज यही भारत जो कभी एक समय में डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था लेकिन आज वो मेन डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। आज इंडिया 90 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। 2023 और 24 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के आसपास का था, लगभग 2.6 बिलियन के करीब का, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 15,900 करोड़ से 32.5% ज्यादा थे। भारत के एक्सपोर्ट्स में एम्यूनिशन, छोटे वेपन्स जैसे स्नाइपर राइफल्स, स्पेशलाइज्ड साइट सिस्टम्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, लाइटवेट टॉर्पेडोस, सिम्युलेटर्स, ड्रोन्स और फास्ट अटैक वेसल्स शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया ने कुछ बड़े डील्स भी किए हैं, जैसे 2700 करोड़ का फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल और आर्मेनिया को आर्टिलरी गन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की बिक्री। इसके अलावा इजराइल जैसे देश भी इंडिया से स्मॉल आर्म्स, ड्रोन के स्ट्रक्चर्स और अन्य इक्विपमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं। इससे ये साफ है कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ग्लोबल डिमांड में उसकी स्थिति कितनी मजबूत है और इसीलिए ये कह देना कि भारत सरकार विदेशी कंपनियों को ऑर्डर देकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को साइडलाइन कर रही है ये सरासर गलत है, क्योंकि इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और आज नहीं तो कल भारत जितनी भी डिफेंस डील्स विदेशी कंपनियों से कर रहा है वो बंद हो ही जाएंगी। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए न्यूज प्लस को देखते रहे। We'll be right back.